किया जाता है। सबसे पहले तो मैं सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस लड़ाई को बड़े जो है अंतरात्मा से लड़ा है, और उन सभी किसान नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग किया है। जी जी। और जो हमें जेल में रखा गया तो इस बार सरकार ने दो ज्यादतियाँ की हैं। एक तो जो लाठी चार्ज किया है वहाँ पे लाठी चार्ज जैसी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई कारण नहीं था, क्योंकि हम किसी पे हमला नहीं कर रहे थे, हम तो बैठे हुए। और दूसरा जो है जो 307 लगाई गई वो सरासर गलत लगाई गई, उत्पीड़न के लिए लगाई गई, लेकिन फिर भी हमारे जो किसान भाइयों का हौसला रहा और हमारे बाद उन्होंने जोश दिखाया उससे सकना पड़ा है, और ये किसानों की बड़ी चीज। सर, किसान मोर्चा सभी किसान संगठन इकट्ठे हो गए, एकता दिखाई दी दोबारा, सरकार एक दोबारा किसान सभी साथ हैं इस मुद्दे पर। देखिए, हम सभी किसान संगठनों का, उनके प्रधानों का धन्यवाद करना चाहेंगे, और इससे एक सबूत ये गया है कि हमारे आपस में जो मर्जी मनमुटाव हो, लेकिन जब किसी में आफत आती है उस वक्त हम सभी इकट्ठे होते हैं, और आगे भी ऐसा रहेगा। आगे भी मैं सभी किसान संगठनों से ये अपील करूंगा कि जहां भी हमारा सरकार के खिलाफ मोर्चा होगा हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई ये कुरुक्षेत्र से लड़ाई ये शुरू हो चुकी है एमएसपी के, और ये शुरुआत है पूरे देश के अंदर ये जाएगी। देखिए, कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्मयुद्ध मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, जो है वो कुरुक्षेत्र से कई लड़ाइयाँ शुरू हुई है जिनका जो हमने जीती है, और ये एमएसपी की लड़ाई भी कुरुक्षेत्र से शुरू हुई है, और कोशिश करेंगे इसको पूरे देश में इस लड़ाई को ले जाए। सर, सरकार पक्ष क्या है? देखिए, अभी हम 9 लोग अरेस्ट थे तो 9 के 9 को रिहा कर दिया गया है, और 307 धारा जो थी वो इन्होंने तो। सर, सरकारी कमी कहाँ लगती है? सरकार ने 307 लगाई, हटाई भी करी, मुख्यमंत्री कमी लगती है, क्या लगता है? देखिए, सारा सरकार के इशारे पे ही होता है, हमने तो किसी के अंगड़ तक भी नहीं लगाई, और बिना उसके 307 का झूठा मुकदमा कर देना ये एक सरकार की तारीख को सिरसा में आ रहे हैं, क्या उसका प्रेशर भी मान सकते हैं अभी जो है किसानों की बात मानी? उसका अभी तक ना तो कोई प्रेशर है, ना कोई हमने उसके खिलाफ कोई विरोध करने की प्लानिंग है, कोई अमित शाह की रैली का कोई विरोध नहीं होगा उसका, कोई हम विरोध। आगे योजना क्या, आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं, अगला मोर्चा क्या रहेगा, अगला मोर्चा? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सब किसानों को, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बाद भी जो है किसानों ने पूरा जोश जोश दिखाया और इस आंदोलन को इतना बड़े स्तर पे किया कि सरकार जो सरकार प्रशासन ने जो है मानी थी बातें, जो आश्वासन दिया था, क्या शुरुआत हुई है एमएसपी की बात हुई थी जो? देखिए, वो तो उनको करनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर और वे विश्वासघात होगा, और विश्वासघात जो है वो किसी के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक। अगला मोर्चा क्या है? अब किसान आपकी सेना कभी बैठकों में नहीं बैठती, अगला मोर्चा क्या लगने वाला है? देखिए, ये कहे मोर्चे लगाने का शौक तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी किसान को उनके लिए हम तैयार रहेंगे, और इस लड़ाई को और पूरे देश तक फैलाने के लिए। एक गुरनाम जी, आखिरी सवाल लूंगा, आज दिल्ली पुलिस के द्वारा जो पहलवानों के मुद्दे पर एक चार्जशीट फाइल की गई है पोक्सो एक्ट में, तो उसमें क्लोजर जो है रिपोर्ट सौंप दी गई, इसमें कुछ नहीं मिला, ना कोई सबूत थे ना कुछ था, तो उसको खारिज करने की मांग की गई है। देखिए, ये पुलिस होती है, ये अपनी तरफ से सबूत मिटा भी देती है, अपनी तरफ से सबूत बना भी देती है। अब जैसे मैंने बताया कि 307 का मुकदमा हमारे पे दर्ज किया, क्या है उसमें कुछ है नहीं, कब 307 हमने की, कब किसी को मारने का प्रयास किया, और इसी तरह जब इनको मिटाने होते हैं सबूत, तो ये सबूत को छिपा लेते हैं और नकली चीजें। अब जरूरत पड़ी तो पहलवानों को समर्थन करेंगे, क्योंकि 16-17 तो है, 15 तारीख का टाइम तो सरकार के पास। पहलवानों को तो हमारा समर्थन करना रहता है, उसके पहले भी हम समर्थन कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।